स्टार्ट। हेलो, अब तुम थोड़ा उधर चले जाओ, इसको ऐसे कर दो। हाँ हेलो, आदाब, मैं डॉक्टर शोएब आलम खान लाइव हुआ हूँ। हमारे केस है, कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे फॉलोवर को स्पेशली। मैं कोई भी अच्छा केस होता है तो मैं शेयर करता हूँ। ये बच्चा है, देखा उसका चेहरा, ये 16 बरस का बच्चा है, ये बिहार से आया दरभंगा से, इसको स्टोन है। ये बच्चा को गौर से देखो, इंटेलिजेंट है, वेरी अफेक्शनेट। व्हाट डू मीन बाय अफेक्शनेट? द वेरी जेंटल, टिमिड, हेसिटेट, यील्डिंग डिस्पोजिशन हमने देखा। और सबसे बड़ी चीज है केस टेकिंग आर्ट। व्हाट डू मीन बाय होम्योपैथिक आर्ट ऑफ हीलिंग? तो हम अपने फॉलोअर के साथ उसको शेयर करते हैं। एक बहुत अच्छा केस टेकिंग हुआ यहाँ पर, इसलिए हम लाइव आए हैं। आप लोग याद रखिएगा, मेरा 27, 28, 29 तारीख को मेरा लाइव सेमिनार है, 8 बजे से कितना 9, जिसमें हम चिलिडोनियम एंड एब्रोटेनम एक्सप्लेन करेंगे। मिस मत कीजिए, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दीजिए, लिमिटेड सीट भी हमको चाहिए। तो मैं केस टेकिंग ये मिस ना कीजिएगा, कांटेक्ट नंबर पर बात करें। और आप लोग को एक बात और बता दे रहे हैं कि आप लोग जैसे उस टाइम बिजी हैं तो बाद में भी वो वीडियो सुन सकेगा, 5-6 दिन का वक्त देगा मेरा असिस्टेंट, ये एक तो एडवांटेज है आप लोग के साथ। चलिए हम इस केस में आते हैं। तो होम्योपैथिक में केस टेकिंग का बहुत इम्पोर्टेंट है। हनीमैन ने इसको कहा है आर्ट ऑफ हीलिंग। तो व्हाट डू मीन बाय आर्ट ऑफ हीलिंग? नॉट साइंस, आपको हील करने का एक आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। तो मैं यहां केस टेकिंग कर रहा था, ये लड़का है पेशेंट, ये इनके रिलेटिव है, ये लड़के का भाई है। तो मैं केस टेकिंग कर रहा था, केस टेकिंग के दौरान मेरी एनालिसिस के हिसाब से ये बच्चा बहुत हेसिटेट, जेंटल, टिमिड, यील्डिंग, अफेक्शनेट। तो मेरे एनालिसिस से इसको आंसू बहुत जल्दी आ जाएगा एंड थर्स्ट पुअर, ये पानी बहुत कम पीता है। तो हम केस टेकिंग किया तो ये बोलता पानी नहीं, हम पीते हैं बहुत अच्छा। इसके भाई से हमने पूछा तो भाई बोलता नहीं सर, हम साथ ही रहते हैं, एग्जाम देते हैं साथ ही, हम लोग बैठते उठते हैं, पानी ज्यादा पीता है। तो फिर उससे हमने कहा अभी ड्यूरिंग केस टेकिंग, द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट माई फॉलोअर, वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज होम्योपैथिक सर्चिंग अबाउट द पेशेंट, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सर्चिंग अबाउट पेशेंट, टारगेट पेशेंट नॉट डिजीज। एलोपैथिक में टारगेट होता है डिजीज का, पेशेंट का नहीं। होम्योपैथिक में टारगेट टू पेशेंट, ऑलवेज टारगेट टू पेशेंट, व्हाट एवर मे बी द डिजीज, इवन टू कैंसर मस्ट हैव चॉइस द पेशेंट एज ए पर्सन। तो उसका भाई ये भाई है, देखो। तो इनसे हमने पूछा तो इन्होंने कहा कि नहीं पानी ज्यादा पीता है, देखो। आपने कहा पानी ये सर ज्यादा पीता है, ये भाई है। हमने कहा कि ये पानी कम पीता है। तो हमने इनसे फिर कहा कि जाओ अपनी मम्मी को फोन करें। तो इनको मम्मी को जबरदस्ती हम भेजा, तो बाहर में जाके अपनी मम्मी को फोन करते हैं तो उनकी मम्मी बोलती है नहीं पानी कम पीता है। आई प्रिस्क्राइब पिनाग्रा, द वंडरफुल प्रिस्क्रिप्शन, दैट इज द केस इन द आर्ट ऑफ हीलिंग। ये है इनके रिलेटिव है बहुत, ये हमारे पास बहुत पुराने पेशेंट है, ये हमारे पास कम से कम नहीं तो बहुत पेशेंट लाए हैं, जिसमें चौथा या पांचवा है स्टोन का केस, पांचवा
400 स्टोन का केस लाया है, आप बताइए जो भी केस लाया है उसका स्टोन का क्या रिजल्ट हुआ, आप बोलिए। जो भी पेशेंट हम लाए हैं इनके पास सर के पास, तो वो सब माशाल्लाह सब लोग को फायदा हुआ, सब लोगों का स्टोन निकल गया, सब लोग अच्छे हैं। बगैर सर्जरी के चारों जी चारों स्टोन खत्म हो गया, बगैर सर्जरी के चारों का स्टोन निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए फिर हम, ये भी बच्चा मेरा रिलेटिव है जिसको हम लेके आए सर के पास, इंशाल्लाह यहाँ भी फायदा होगा। ठीक, दैट इज होम्योपैथिक। अब याद रखिएगा, होम्योपैथिक किसी को कहते हैं, हम लोग होम्योपैथी कहते गलती नहीं, हम लोग पेशेंट अच्छा नहीं कर पाते हैं अपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो दैट इज द केस टेकिंग इन द टोटल आर्ट ऑफ हीलिंग, केस टेकिंग इन द आर्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।